ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने ईचागढ़ के लोगों को बड़ी सौगात दी है। बता दें कि सविता महतो ने लगभग 13 करोड़ की लागत से बनने वाली कई सड़कों का शिलान्यास और नारियल फोड़कर शिलापट अनावरण भी किया है। मौके पर सविता महतो ने बताया कि उनके कार्यकाल में ईचागढ़ में सड़कों का निर्माण कराया जाएगा, क्योंकि कुकड़ू प्रखंड झारखंड का बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है और लगातार वहां की जो तस्वीरें सामने आती रहती है उसमें देखा जाता है कि जनता को बहुत ही परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। सड़कों की घोर कमी है। लोगों की शिकायत भी थी कि इस गांव से शहर तक जाने के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें भी देखने को मिलती है। लोगों की असुविधाओं को देखते हुए विधायक मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत ईचागढ़ विधानसभा में सड़कों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद देते हुए कहा कि इन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में उनका भरपूर सहयोग मिला है। वहीं इस दौरान लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। शिलान्यास के दौरान लोगों ने झारखंड सरकार के समर्थन में नारेबाजी की। झारखंड सरकार साथ ही साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ईचागढ़ विधायक को धन्यवाद भी दिया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सदस्य काबलू महतो, बी सूत्री उपाध्यक्ष नवकिशोर हांसदा, साथ ही साथ कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। विधानसभा अंतर्गत कुकड़ू और निमडी में मुख्यमंत्री ग्राम योजना सड़क के तहत में भूमि पूजा किया गया, शिलान्यास किया गया। उसमें लगभग 5 सड़क है, जिसमें कुकड़ू प्रखंड में 4 और एक निमडी प्रखंड में, एक छतरडी से लेके दारुदा और एक लेटेमदा और एक डेरे रुपड़ू से सिरूम और निमडी रामनगर से हेवन। कितना लागत है मैडम? लगभग 13 करोड़ की लागत से इसका भूमि पूजन किया गया, शिलान्यास किया गया। कब से काम शुरू हुआ? जल्द से ही शुरू होगा।